So, hello guys, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? और गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस आर्क सर्वाइवल रिबॉर्न का, आर्क एजी रिबॉर्न का, सॉरी गाइस आर्क एजी रिबॉर्न के। रॉकवेल बेटा मस्ती ने चुप्पे इंट्रो मारने दे भाई। सो गाइस आर्क एजी रिबॉर्न का आज का एपिसोड शुरू करने से पहले जो बड़े बंदे होंगे यार चैनल पे, फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना गाइस। अगर आप लोग को यहाँ पे भाई रॉकवेल यार डिस्टर्ब कर देता भाई, उस चक्कर में मैं इंट्रो जो है ना गाइस इधर उधर भाई कर देता हूँ पूरा। सो गाइस वीडियो जो है ना गाइस हमारी, वो भाई एंड तक बिना स्किप करे जरूर से देखना, उससे ना गाइस हमारे चैनल को काफी ज्यादा बूस्ट मिलता है। और थैंक यू सो मच 5000 सब्सक्राइबर्स यार, आप लोग ने मतलब दिल खुश कर दिया गाइस, दिल खुश कर दिया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। अभी मेरे को नाचने का मन कर रहा है, नाचना भाई आप भाई, ठीक है गाइस, दिल गार्डन गार्डन हो गया। थैंक यू सो मच 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के लिए, आपका दिल से बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद गाइज, थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए। और वीडियो जो है ना गाइज वो एंड तक जरूर से देखना गाइज, बिना स्किप करे अगर हो सके तो गाइज, ठीक है। चलो फिर गाइज अभी देखो, अबे हेलो, अबे नाचना पर, अरे अरे व्हाट, हेलो गाइज भाई कितना खुश हो गया मेरा कैरेक्टर। हेलो भाई ठीक है भाई, मेरा कैरेक्टर देख रहा हूँ कितना ज्यादा खुश हो गया भाई, इतना ज्यादा खुश हो गया ना कि बोल रहा है कि मैं नाचना बंद ही नहीं करेगा। देख रहे हो भाई जंप मार, नहीं यार अबे ये तो कैंसिल ही नहीं हो रहा अबे भाई, अरे भाई 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 ठीक है, और कोई मूड और कोई, अच्छा हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, फाइनली कैंसिल हो गया भाई, ठीक है। सो अभी बात करते हैं कि आज हम लोग क्या करने वाले। आपको पता ही होगा कि हम लोग ने मेन बॉस की तो भुर्जी बना दी है मस्त देखी, लेकिन 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 कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है मेरे दोस्तों। अगर हम लोग कहाँ पे था भाई ये, इसमें ही क्या, उसमें तो अंडे यार, लेकिन अंडे नहीं बना, एक मिनट रुक जाओ, ये बॉस है ना, ये बॉस है, ये नहीं चाहिए मेरे को, रुको थेरी भी बना सकता हूँ लेकिन नहीं चाहिए मुझे, रुको गाइस मैं ना अभी, एक मिनट कहाँ चला गया यार वो, वॉर चीप भाई, ठीक है हम लोग फर्स्ट वॉर चीप बॉस यूज दिस टू स्पॉन द प्रेडिक्शन द वॉर चीप मैंटिकोर। हम लोग भाई मैंटिकोर से नहीं पंगा लेते ना डायरेक्टली, मैं तो बोल रहा हूँ गाइस, हाँ मैं तो बोल रहा हूँ डायरेक्टली मैंटिकोर से पंगा नहीं लेते गाइस, क्या बोलते हो? तो किससे पंगा लें, कार्किनोस गाइस, क्या बोलते हो? वॉरशिप कार्किनोस से पंगा ले ले हम लोग, एक काइंड ऑफ कुछ तो मुझे तो ये ब्रूड मदर की तरह लग रहा है, मैं इसको स्पॉन करने की ट्राई करता हूँ यहाँ पे। अरे यार इसके लिए तो चीज़ें कम पड़ रही है, रुको गाइस मुझे देखने दो, मुझे ऑल आइटम रिक्वायर्ड मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है मैंने इसको बना लिया है। और मुझे गाइस अभी ये पता नहीं है कि ये बॉस है क्या है, अरे रॉक वे है, ले रुक जाओ गाइस गाइस रुक जाओ रुक जाओ, तुझे नाना ची तंगड़ी, रुको गाइस इसको अभी ठीक करके देता हूँ। कहाँ पे गया मेरा लेजेंडरी टायरानोसॉरस रिक्स, यहाँ पे रखने दो मुझे, ठीक है भाई ग्रिफिन लेके जाता हूँ और इसको एक चमाट मार के आता हूँ भाई, ठीक है। डिस्टर्ब कर रहा है यार बार बार, ये देख रहा हूँ डिस्टर्ब करता है, ये ले करेगा डिस्टर्ब, करेगा डिस्टर्ब वापस से, करेगा करेगा डिस्टर्ब करेगा डिस्टर्ब करेगा बेटा, डिस्टर्ब नहीं करना वापस से, बहुत गंदा मार खाएगा भाई इसको मारने का, जो ना कि जब हमारे पास टाइम नहीं है। अबे यार लेकिन ये मेरे को जरूर मार रहा है, पता नहीं कहाँ से मार रहा है बट, अरे बाप रे भाई गाइस बॉस पे बॉस पे बॉस, हेलो हेलो हेलो, कुछ ज्यादा ही लाड़ में गाइस हमला कर रही है, रुको गाइस इन लोगों के भाई टेंटिकल उड़ा देता हूँ वरना क्या होगा बताए गाइस। अरे यार इनके टेंटिकल्स उड़ाने पड़ेंगे भाई वरना मुझे मारते रहेंगे बार बार भाई टेंटिकल्स से, यू फोकस ऑन योरसेल्फ, ठीक है भाई चलो मैंने गाइस इनके टेंटिकल्स तो उड़ा दिए भाई, एक और टेंटिकल निकाल दिया यार उसने, चलो कोई ना अभी हम लोग इनके रेंज से शायद से दूर आ चुके हैं। सो गाइस मुझे अभी यहाँ पे क्या करना है बताए, मुझे फटाफट और सटासट से, ओ भाई यहाँ पे तो भाई स्पाइडरों की पार्टी चल रही है, मैं यहाँ पे ना उस बॉस को स्पॉन करने के लिए आया हूँ, समझ रहे हो गाइस, मैं उस वॉरशिप बॉस को यहाँ पे स्पॉन करने के लिए आया हूँ, बट यहाँ पे कुछ ज्यादा ही स्पाइनोस वगैरह है। एक काम करता हूँ पहले तो मैं इन स्पाइनोस को क्लियर कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है और इन स्पाइनोस को हम लोग क्लियर कर लेते, गामा में ठीक कर देता हूँ, गामा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सारे के सारे स्पाइनो और दूसरे डायनोज उनको क्लियर करके यही पे उस बॉस को स्पॉन करने वाला हूँ।
मुझे ये पता नहीं है गाइस कि वो बॉस टेमेबल वर्जन है, बॉस है, कोई आइडिया नहीं है क्या सीन है भाई। बॉस इतना पता है बट वो मतलब वो नॉट टेमेबल वाला बॉस नहीं होता, वो बॉस है टेमेबल वेरिएंट है क्या है समझ नहीं आ रहा मेरे को कुछ भी। वो तो जब हम लोग इसको स्पॉन करेंगे तभी पता चलेगा गाइस, ठीक है। अल्फा है जैसे, हाँ अल्फा, उसको तो फ्लेम अटैक से उड़ा दूंगा मैं, ठीक है भाई। मैं अपना आर वाला अटैक डालता हूँ, वो वाला सारे डायनोस को मार दिया भाई, लाशें बिछा दी। रुको आ गाइस, मैं पूरा एरिया पहले क्लियर कर रहा हूँ ताकि मैं बॉस फाइट जब लूँ तब कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है भाई। माइनस में डैमेज और सारे के सारे स्पाइनस की पेटी। हेलो ब्रो, हाउ आर यू? हाँ मेरी जान, हाँ मेरी जान। गाइस कछुवेश्वर जी आ चुके हैं, कछुवेश्वर जी को थोड़ा सा प्रसाद दे देते हैं। हमारे कछुवेश्वर जी आ चुके हैं यहाँ पे, ये हमारा टर्टल बॉस है, इसको मैं पहले भी हरा चुका हूँ बट इसको मैं एक बार मार देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं बॉस फाइट करने वाला हूँ और ये मेरे बॉस फाइट वाले एरिया के बीच में आया है। अभी मुझे पता नहीं वो ब्रूड मदर जो है ना गाइस वॉटशिप वाली, वो बॉस वेरिएंट है क्या है, लेकिन मैं भाई बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। लॉकडाउन दे दिया मैंने इसको, मैंने इसको लॉकडाउन दे दिया भाई। काफी बढ़िया है खास करके बॉसेस के ऊपर, ये वाला अटैक काफी तगड़ा डैमेज दे रहा है भाई यहाँ पे, ठीक है। चलो अभी जिस काम के लिए आए वो कर लेते हैं। मैं वॉरचीप ब्रूड मदर को यहाँ पे बुला रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता नहीं है वो बॉस है क्या है बट मैं अभी इसको यहाँ पे स्पॉन कर रहा हूँ। द वॉरचीप स्पाइडर स्पॉनर कार्किनोज, ठीक है, रेडियो मैं इसको बुला रहा हूँ, ठीक है। चलो 1 2 3। अबे यार ये तो बॉस वेरिएंट है, हेल्थ 700 मिलियन, ओके ठीक है, ठीक है गाइस ये तो रोबो स्पाइडर है। क्या मैं इसको मार पाऊंगा? मैं 2 बिलियन वाले बॉस को मार के आया हूँ तो इसको मारना इजी हो जाएगा। मैं गेम काउस थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है भाई। दिखने में तो बहुत जबरदस्त लग रही है भाई ये, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ इसको मारने की, मैं ट्राई करता हूँ। क्या मेरा ओ वाला अटैक, ओए ओके ओके लेजर्स, व्हाट व्हाट द, ये अपने मुंह से लेजर छोड़ रही है। एक मिनट ये भाई तो फर्टिलाइज वाला अंडा, ये देखो लेजर छोड़ रही है ब्रूड मदर, अपने मुंह से पॉइजन छोड़ के लेजर अटैक कर रही है भाई ये तो। भाई हाईटेक है भाई ये, फुल हाईटेक, फुल हाईटेक बॉस है, लेकिन मैं इसको मार सकता हूँ शायद से, आई थिंक से मैं इसको मार। भाई ये देखो फुल हाईटेक बॉस है भाई ये तो, लेजर अटैक। Oh man, ठीक है, डैमेज तो पड़ रहा है यार काफी तगड़ा वाला। मेरा भाई रेशू के सामने छोटा बच्चा लग रहा है गाइस, छोटा सा नन्ना सा बच्चा लग रहा है भाई। मार रही है मेरे को, मार रही है। मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको मारने की, आई ड्रामा बेस्ट। ओ भाई यार इसके बॉल्स यार, ओए हां राइडर को मारने वाला अटैक है इसके पास, उड़ा दिया गाइस। एक मिनट, इसके पास राइडर को मारने वाला अटैक है, मैं भी रुको गाइस थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाओ, मेरे पास एक और प्लान है लॉकडाउन अटैक। गाइस अपने पास लॉकडाउन अटैक है अपने रेक्स का, मैं लॉकडाउन अटैक से उसको पूरा लॉकडाउन कर देता हूँ। लॉकडाउन अटैक जिनको पता नहीं क्या करता है तो मैं आपको बता देता हूँ। लॉकडाउन अटैक अपना जो टारगेट होता है जिसको हम लोग मारने वाले हैं उस टारगेट को एक ही जगह पे ना रोक के रख देता है, ठीक है, स्टक हो जाता है वो एक ही जगह पे और वो हिल नहीं पाता अपनी जगह से, ठीक है। तो उस अटैक की मदद से अगर मैं उस ब्रूड मदर को एक जगह पे अटका के रख दूँ तो क्या बोलते हो, फिर मैं पीछे से जाके हमला करूँगा क्योंकि उसके जो अटैक है ना जो सामने से अटैक कर रही है उसका डैमेज बहुत पड़ रहा है भाई। यार मजा आता है यार इस रेक्स को चलाने में,
इसके अटैक्स इतने खतरनाक है, देखो लाशें लाशें हर जगह पे लाशें बिछ चुकी हैं। ये काफी खतरनाक रेक से यार। चलो रुको भाई, रुको, इसको मारो गोली। में लॉकडाउन अटैक ट्राई करता हूँ उस बॉस के ऊपर। वॉरचीफ बॉस वोरी, उसकी हेल्थ भाई यार इतू से डाउन हुई है लॉकडाउन। हाँ बेटा गोलू बेटा मस्ती नहीं, अल्ली अल्ली पीछे अटैक नहीं कर पा रही है ब्रूड मदर। कोई ना मैं पीछे से मार दूंगा तेरे को। लाचार पड़ी है बिचारी रे। अल्ले 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 गाइस देख रहे हो, इसे बोलते हैं 1000 आईक्यू का इस्तेमाल। ठीक है 1000 आईक्यू के इस्तेमाल से मैंने उसको स्टन ही कर दिया पूरी तरीके से। वो अपने जगह से हिल भी नहीं पा रही है गाइस, लिटरली वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रही है। यार इसको भाई चांस देते हैं हम लोग, ठीक है हम लोग इसको चांस देते हैं। चलो नाइन सा भी नहीं करते, फेयर फाइट करते। चल मैं अपना लॉकडाउन अटैक भाई यूज नहीं करूंगा जब तक ये मुझे एक और बार नहीं मारती है। अगर ये एक और बार मुझे मारे तभी जाके मैं अपना लॉकडाउन अटैक यूज करूंगा, वरना नहीं करूंगा। उसके मिनियन को मारने के लिए अपना ये अटैक इनफ है। ये अटैक क्या इसके ऊपर वर्क हो रहा है? शायद से तो मेरा क्यू वाला अटैक से क्यू वाला अटैक का 26 मिलियन डैमेज पड़ रहा है इसके ऊपर। व्हाट भाई मरने में जमाएगा इसे, खत्म भाई। ये बॉस तो वॉरचीफ वाले उतने ज्यादा खतरनाक नहीं निकले जितना मैंने सोचा था। ये तो मर गया भाई। ये लो मैं एक और क्यू वाला अटैक दूं। नहीं मैं बाइट अटैक से मारता हूं उसको, गुरु को नहीं वो दे देता हूं उसको। मरी 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 भाई। वो ड्यूड ओपी बोल दे बॉयज, लेट्स गो। ओके भाई रोबो ब्रूड मदर को मार दिया मैंने। गामा ठीक कर लो गाइस, मैं सबसे पहले मजा आ गया यार इसको मार के तो। अरे मैं नंगा क्यों है, मेरा कपड़े, अच्छा मैंने कपड़े ही नहीं पहने पड़े, रुक जाओ कपड़े पहनने दो। हाँ रोबो ब्रूड मदर वो एक्सेस इन्वेंट्री, इसके इन्वेंट्री में तो कुछ भी नहीं है, बट मैं इसको ना एक बार हार्वेस्ट करके देखता हुआ। मजा आ गया यार, लेकिन कुछ भी बोलो मजा तो आया है गाइस, मजा तो आया। इसको मार हो रही यार वैसे। एलिमेंट वगैरह मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, पेल्ट वगैरह पॉलीमर बिलीमर वही चीजें मिल रही है। यार ये वॉरचिप वाले बॉस मुझे लगा था काफी खतरनाक होंगे, बट ये एक्चुअली में उतने खतरनाक नहीं है। इसको मारने से क्या मिला है मुझे? कुछ ना कुछ तो मिला होगा गाइस। अभी मैं अल्टीमेट ब्रूड मदर टेमेबल वर्जन क्राफ्ट कर सकता हूँ, अल्टीमेट ब्रूड मदर। ठीक है रुको, और क्या क्या चीजें मिली जरा एक बार मुझे देखने दो। मुझे उसका सैडल का ब्लूप्रिंट भी मिला हुआ है। ओके और भाई चलो अपने पास अभी अल्टीमेट ब्रूड मदर आने वाली है गाइस, ठीक है भाई आने वाली है अल्टीमेट ब्रूड मदर। और कुछ नहीं ना, ब्लेड वगैरह मिला है और सारी फालतू चीज़ें ही है जो मेरे किसी काम की नहीं है। ठीक है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं अपने इन्वेंट्री में ले लेता हूँ। चलो आ जाओ भाई मज़ा आ गया, लेकिन कुछ भी बोलो। गामा रुक जाओ गाइस 2.8, ठीक है चलो गामा ठीक कर दिया भाई। यार यहाँ पे दो दो बॉसेस है, रुको गाइस इन बॉसेस को ना मैं क्यू वाला अटैक से मारूंगा अपने। ठीक है क्यू वाला अटैक, ओनली क्यू अटैक भाई। क्यू वाला अटैक बॉसेस के ऊपर काफी गंदा डैमेज दे रहा है, काफी ज्यादा गंदा डैमेज दे रहा है। आधे हेल्थ डाउन भाई, देखो देखो ये टर्टल के आधे हेल्थ डाउन, आधे नहीं 75% हेल्थ डाउन। ये मरा भाई। मुझे नया बॉस किलर भाई मूव मिल गया इस बार एक्स का, खत्म दिन भर गए भाई इसके, भाई दिन भर गए भाई। रुको यहाँ पे मैंने एक और देखा है, राइनो था आई थिंक से, हाँ राइनो बॉस है गाइस यहाँ पे। हेलो राइनो, राइनो के ऊपर भी मैं क्यू वाला अटैक ही डालूंगा। मुझे पता नहीं था इसका ये वाला अटैक कितना खतरनाक है। मैं ये अटैक अभी तक इसलिए यूज नहीं करता था क्योंकि ये अटैक करते वक्त ना कुछ भी दिखाई नहीं देता, पूरी स्क्रीन पे फॉग ही फॉग जो है ना जो फैल जाती है, तो इसलिए मैं ये अटैक यूज नहीं करता था। बट मुझे ये नहीं पता था कि ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक वाला निकल जाएगा। मर गया यार ये, राइनो को भी बैंड बजा दी। राइनो बेटा कल कल आना कल, ठीक है कल भाई। क्या मार रहा है यार मेरा रेक्स भाई, क्यू वाला अटैक भाई ओवर पावर्ड है ब्रो, ओवर पावर्ड है इसका क्यू वाला अटैक। मुझे काफी पसंद आ गया भाई इसका क्यू वाला अटैक। रुको मैं थोड़े से एक्सट्रैक्ट वगैरह हार्वेस्ट कर लेता हूं यहां से। ऊपर एक आसमान में पिक्सेल घूम रहा है, चलो उसको भी मार के उसके भी एक्सट्रैक्ट गाइस हम लोग ने हासिल कर लिया है, इसको भी मार देता हूँ। रुको रास्ते में देखता हूँ कौन कौन से बॉसेस गाइस मुझे मिल रहे हैं, उन सब बॉसेस की जो ना गाइस फुंकी बजाऊंगा। मैंने अपने फर्स्ट वॉरचीफ बॉस को मारा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं ये आई थिंक से रोबोट वाले में निकलेंगे सारे के सारे वेरिएंट, ये सारे रोबोट वाले वेरिएंट ही निकलेंगे ऐसा मुझे लग रहा है।
देखते रुका, मुझे एक बार घर पे जाने दो, फिर मैं एक चीज देखना चाहूंगा। मैं एक और बॉस को ना स्पॉन करने के बारे में कहीं सोच रहा हूँ अभी। वैसे भी ज्यादा लंबी तो वीडियो बनी नहीं है। अरे रॉकवेल भाई, चलो ये रॉकवेल की बकेती चालू हो जाएगी अभी। गाइस क्या मैं एक और गाइस वॉरशिप बॉस को यहाँ पे स्पॉन करके उसकी पेटी बना दूँ? क्या बोलते हो? क्या हम लोग उसकी बैंड बजा डालें? रुको मुझे ऐसा सामान लेने दो, सारा का सारा ए टू जेड बराबर, जो इम्पोर्टेंट सामान है वो ले लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट मुझे एक भी नहीं मिला क्या? एक्सट्रैक्ट कितने मिले मुझे? 32 टोटल है। ठीक है चलो रुकना गाइस, मैं एक और वॉरशिप बॉस को जो ना गाइस बनाना चाहता हूँ अभी। ठीक है, मतलब बॉस को, ठीक है, टेमेबल वर्जन नहीं, बॉस को बनाना चाहता हूँ। जैसे ब्रूड मदर को मारा है ना मैंने, अभी मैं सोच रहा हूँ एक फ्लायर वॉरशिप बॉस को भी आज के इस वाले एपिसोड में ही मार दे हम लोग। आई थिंक सर मैंटिकोर थोड़ा ओवर पावर्ड हो जाएगा गाइस, क्या बोलते हो? मैंटिकोर थोड़ा सा ओवर पावर्ड तो हो जाएगा, बट चलो चलो देखते हैं गाइस। आ जाओ वार्डन ट्रॉफी, कौन सा ये वाला क्या? और क्या वार्डन एलिमेंट ये वाले? अरे कर दी ना छोटी बात यार तुम लोग। रुको रुको गाइस, हमारी एक्टेबल करने वाली मशीन्स कहाँ पे? थोड़े रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं। मैं जो ना गाइस रिसोर्सेज की यहाँ पे अभी एक मिनट रुक जाओ, अभी रिसोर्सेज का जुगाड़ करके देता हूँ। वार्डन ट्रॉफी एंड वार्डन एलिमेंट्स, ये दो चीज़ें कम पड़ रही है हम लोग को। ठीक है, वार्डन ट्रॉफी एंड वार्डन, ये रहे वार्डन एलिमेंट्स, ये रहे गाइस, एंड ये रही वार्डन ट्रॉफीज बराबर। ठीक है, इनको एक का डबल करने के लिए डाल दिया। बाकी जो भी चीज़ें मुझे फर्स्ट बॉस को मारने से मिली है ना, वो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, रुको फटाफट से। अभी मैंने गलती से रेक्स को भी डाल दिया इसके अंदर, चलो कोई ना, मैं सारी की सारी चीज़ें डाल रहा हूँ। और ये ब्रूड मदर के इसेंस है ना, इनको बहुत ज़्यादा जल्दी एक का डबल करके, शायद से अगले एपिसोड में ही हम लोग ब्रूड मदर के इसेंस को ना एक का डबल यहाँ पे करेंगे, और उसके मदद से अल्टीमेट, ठीक है, अल्टीमेट वाली जो गाइस हमारी सिलेस्टियल ब्रूड मदर है ना टेमेबल, उसको हम लोग क्राफ्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है रुको, मुझे ये देखने दो कि वार्डन एलिमेंट वगैरह, हाँ ये तो एक का डबल हो रहा है, अच्छी बात है। ये 33 हो चुके हैं एंड ये 32 हो चुके हैं। रुको मैं देखता हूँ कि हम लोग यहाँ पे एक मैंटिकोर बॉस को बना सकते हैं कि नहीं। स्पॉन वॉरशिप एंड हियर वी गो मैंटिको। ओह ओके, सारा सामान आ चुका है, टर्न ऑन, लेट्स गो। हाँ जाओ गाइस, एक और बॉस को मारने वाले प्रीडिशन द वॉरशिप मैंटिकोर। ठीक है, ये मैंटिकोर बॉस है, काफी खतरनाक गाइस हमारे लिए साबित हो सकता है, बट डरेगा गाइस, जिम करे भाई, आ जाओ भाई, पेल देंगे, मार देंगे गाइस इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास रेक्स है गाइस, मुझे लग रहा है अभी रेक्स ना थोड़ा सा ओवर पावर्ड हो रहा है। ठीक है, इससे बॉसेस को मारना थोड़ा इजी हो रहा है, सो हम लोग ना रेक्स को छोड़ के और कोई डायनो जो ना गाइस वो ढूंढेंगे अभी। और ना ऐसे तो पूरी सीरीज ही हमारा रेक्स ही अकेला भाई कंप्लीट करेगा, दूसरे डायनोस तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा। इसलिए गाइस मैं आने वाले एपिसोड्स में जो ना गाइस कुछ नए नए डायनोस को भी पकड़ूंगा, जिनका इवोल्यूशन हम लोग कर सके, और उनका इवोल्यूशन करके मैं उनको काफ़ी पावरफुल वाला बना दूंगा। मैं तो सोच रहा हूँ मैं बॉस फाइट यहीं पे ले लूँ, गामा थोड़ा सा बस मुझे हाँ टिक करना पड़ेगा। ठीक है गाइज, हाँ मुझे ये एरिया क्लियर करना है पहले, रुको। इसके पास जो अटैक्स है ना यार रेक्स के पास, रेक्स सच में यार कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर्ड है भाई, रेक्स कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर्ड है भाई। एक एक फटके में जो ना गाइस सारे डायनोस को मार पा रहा है ये हमारा अल्फा रेक्स। चलो अभी फटाफट से हम लोग क्या करते बताएं, यहाँ पे मैं जो ना गाइस स्पॉन कर रहा हूँ प्रीडिशन द वॉरशिप मैंटिकोर, काफ़ी खतरनाक हो सकता है हमारे लिए, बट देखते चलो। और इसको ना हम लोग क्यूब वाले अटैक के बिना मारने की ट्राई करते हैं। लुक देखो भाई, वो भाई हल्क मैंटिकोर लग रहा मेरे को तो, अरे बाबा। ए भाई मैं तेरा ध्यान किधर है, तो मारने वाला इधर है। हाँ व्हाट है भाई, फाइट चालू भी नहीं हुई थी उससे पहले मार दिया मेरे को भाई। ये मैंटिकोर काफी खतरनाक है, ब्रूड मदर से ज्यादा खतरनाक मैंटिकोर है, क्योंकि मैंटिकोर सीधा राइडर को उड़ा रहा है, कंफर्म भाई हो गया है, सीधा राइडर को उड़ा रहा है। बॉस फाइट चालू होने से पहले मैंने उसको भाई इतना सा भी डैमेज नहीं दिया था भाई, उससे पहले उसने मार दिया, वो ना मेरे बेस की तरफ ना आए वरना पूरा बेस उड़ जाएगा। और मैंने ना थोड़ा स्वाप के चक्कर में उसको अपने बेस के कुछ ज़्यादा ही नज़दीक स्पॉन कर लिया है। ठीक है,
तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हम लोग को फेस करनी पड़ेगी अगर वो इस डायरेक्शन में दौड़ते दौड़ते आया तो। मुझे रुको, अपने बेस से थोड़ा इसको दूर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी तक स्टिल क्यूब वाला अटैक यूज नहीं करूंगा। ओके, क्यूब वाला अटैक हम लोग एंड में यूज करें। एक और बार अगर मैं मराने इस मैंटिकोर के आ तो फिर हम लोग इसको क्यूब वाला अटैक यूज करके मारेंगे। ऑलराइट, लेट मी चेक फर्स्ट कि भाई वेयर इज दैट मैंटिकोर ब्रो। भाई मैंटिकोर कहाँ चला गया? प्री नाम था उसका, इविल माउस। अरे यार वो डिस्पॉन हो गया, मतलब मैंने जो इतनी मेहनत करी थी। नहीं रुको, मैंटिकोर डालता हूँ, मैंटिकोर में भी आ जाए। हाँ हे हे हे, हे कहाँ पे ये कहाँ है? अरे भाई ये तो आसमान में उड़ रहा है मेरी जान। तभी मैं बोलूँ भाई मुझे दिख क्यों नहीं रहा है भाई। इधर इधर, तुम्हारा ध्यान किधर है? तुम्हारे को मारने वाला इधर है। अरे यार भाई क्या मार रहा है यार, सीधा एक वो काटे वाला अटैक कर रहा है, सीधा पेटी बन रही है, सीधा ऑन द स्पॉट। मैं एक सेकंड भी इसके सामने टिक नहीं पा रहा हूँ भाई, एक सेकंड भी टिक नहीं पा रहा हूँ। गाइज आर वाला क्यू वाला अटैक यूज करना पड़ेगा मुझे, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। चलो ये मैंटिकोर कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड है भाई, ब्रूड मदर तो इसके सामने बच्ची है भाई छोटी सी। रुको मैं नंगा ही जा रहा हूँ, क्योंकि कपड़े पहन के जाओ या ना जाओ मैं मर ही रहा हूँ। एक मिनट रुक जाओ गाइस। नहीं रहने दो, चलो अभी उसकी जरूरत नहीं है। मैं एक और बार क्यू वाले अटैक से ट्राई करता हूँ। अगर क्यू वाले अटैक में ये मैंटिकोर हमको मारता है तो हमारे पास एक ऐसी चीज है जिससे हम लोग को उसके पॉइजन का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आप सभी को बताइए मैं कौन सी चीज की बात कर रहा हूँ, बट उसमें जो है ना थोड़ा सा ओवर पावर्ड हो जाएगा वो अपना आर्मर, इसलिए मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, मैं क्यू अटैक ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा एक लेवल आगे जाने का टाइम आ चुका है, मुझे क्यू अटैक ट्राई करना पड़ेगा। हाँ वो रहा मैंटिकोर, मैंने इस डायरेक्शन में उसको देखा भाई अभी। यार ये कहाँ चला जाता है भाई मैंटिकोर, ये पूरा घूम रहा है भाई, ये इधर उधर जो है ना कि घूम रहा है पूरा। आगे गया हूँ कहाँ भाई? अबे यार तो भाई 400 किलोमीटर दूर चला गया। ठीक है ब्रो मैंटिकोर यार ये तो दूरी जा रहा है भाई। मैं इसको अपना अटैक नहीं दे पा रहा हूँ। I'm trying my best कि मैं उसको अपना अटैक दे पाऊँ, बट अफसोस जब तक वो जमीन पे नहीं आता है। कम ऑन ड्यूड, मैंटिकोर भाई हाँ नीचे आ जाओ भाई। हाँ अबे यार दिमाग में एक और प्लान आ रहा है, क्या मेरे पास कोई गन है? क्यों मेरे पास कोई गन छे गन नहीं है, ये एरो वर्क नहीं करेगी ना। वेट अ मिनट, ये कहां से आ गए? हाँ ये भाई तुम मिनियन भी भाई, हेलो ये अपने मिनियन भी स्पॉन कर सकता है भाई, मुझे ये पता ही नहीं था गाइस, अभी जाके पता। एक मिनट रुक जाओ, लॉकडाउन अटैक याद है बेटा, लॉकडाउन व्हाट? मैंटिकोर बेटा मस्ती नहीं, क्या बेटा? मैंटिकोर बेटा मस्ती नहीं, ठीक है मस्ती नहीं बेटा मस्ती नहीं। मर गया ये तो ब्रूड मदर से भी ज्यादा जल्दी मर गया, मतलब इसकी मेन जो पावर थी वो थी जब तक ये हवा में उड़ रहा है तब तक ये भाई खतरनाक रहेगा भाई। ठीक है वो सारी चीजें तो ठीक है, मैंटिकोर तो मर गया भाई, वो तो नल्ला बॉस निकला, चलो कोई ना। बट मैं इसको इतने टाइम से चला रहा हूँ इस रेक्स को, बट मुझे ये पता नहीं था कि अपना रेक्स इसे मिनियन भी स्पॉन कर सकता है भाई। जरा मुझे बताएगा ये कौन से बटन से स्पॉन करे तूने?
इसने मिनियन कैसे स्पॉन करे भाई? इसने मिनियन कैसे स्पॉन करे? कैसे भाई, कैसे, कौन से बटन से स्पॉन करे भाई इसने मिनियन? इसने कोई तो अटैक करा है भाई अपना, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा वाला। ये अपने मिनियन पे स्पॉन कर सकता है और मुझे ये नहीं पता था कि ये एबिलिटी मेरे पास है। और गाइस मैं एक बात बताऊं, मैं इस रेक्स को और ज्यादा यूज नहीं करूंगा। इनकेस अगर हमको कोई इमरजेंसी आती है बहुत तगड़ी वाली, तभी जाके मैं इस रेक्स को यूज करूंगा, वरना हम लोग इस रेक्स को यूज नहीं कर रहे भाई। एक एक पटके में उड़ा रहा यार, बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है भाई ये पूरे के पूरे जो है इस गेम को ब्रेक कर रहा है भाई। वो मैंटिकोर को देखा मैंने, एक लॉकडाउन अटैक दिया, वो एक लॉकडाउन अटैक होता है 30 सेकेंड का, वो खत्म होने से पहले ही वो मैंटिकोर भगवान के पास पहुंच चुका था। सो आप समझ ही सकते हो इस रेक्स ने उसको कितना डैमेज, 86,000 मिलियन, 86 मिलियन का डैमेज दिया था एक बारी में। और इसे एक सेकेंड में इसने 4 या 5 अटैक दिए थे, इसलिए गाइस 2-3 रोर में डायरेक्टली उसका गेम ओवर हो गया। सो आप सोच ही सकते हो कि ये कितना ज्यादा खतरनाक और ओवर पावर्ड रेक्स है। इसको हम लोग अगर इमरजेंसी आती है तभी यूज करेंगे, वरना हम लोग जो ना गाइस इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये पूरे गेम को जो ना गाइस ब्रेक कर रहा है यहाँ पे लिटरली। अभी कुछ नए नए डायनोस को जो ना गाइस टेम करने का टाइम आ चुका है। कब तक गाइस हम लोग एक ही डायनो को लेके घूमेंगे भाई लोग, ठीक है, नए डायनो को टेम करने का टाइम आ चुका है मेरे हिसाब से। तो मुझे एक टेक वाली चड्डी मिली है, कैसी दिख रही है, वाओ, अरे ये तो काफी सॉलिड है रे ये गाइस, ये काफी सॉलिड है। क्या नाम है वॉरशिप लेगिंस, मतलब अगर मैं वॉरशिप वाले बोसेस को मारूंगा तो मुझे ये वाला आर्मर मिलेगा। ये वाला आर्मर मुझे काफी कूल लग रहा है, डिजाइन देखो भाई, गाइस देखना व्हाइट एंड रेड का कॉम्बो लग रहा है कि नहीं, अच्छा एकदम कूल फ्यूचरिस्टिक चड्डी लग रही है, बोले तो पैंट भाई, ठीक है चड्डी नहीं पैंट, फ्यूचरिस्टिक लग रही है एकदम फुल टू। ओ ये ब्लिंक कर रही है, देखना मेरे जूते नीचे साइड देखो, वो ब्लिंक हो रही है थोड़ी रेड लाइट जो है वो, भाई काफी खतरनाक यार, काफी खतरनाक भाई, ठीक है चलो। अभी रेक्स के अंदर से सारा इंपॉर्टेंट सामान जो है वो मैं निकाल लेता हूँ। 2 वॉरशिप को तो गाइस हम लोग भगवान के पास पहुंचा चुके हैं, और अभी हम लोग इस रेक्स का इस्तेमाल ना ज्यादा नहीं करने वाले, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ना मेरे पास कुछ सामान आया काफी इंपॉर्टेंट वाला, देखो अभी गाइस आपको डिसाइड करना है कि पहले मैं किसको टेम करूंगा। गाइस आपको बताए, आप जो बोलते हो तुम्हारा भाई वो करता है। मेरे पास मैंटिकोर इसेंस आ चुका है, मेरे पास ब्रूड मदर इसेंस भी आ चुका है, ये देखो ब्रूड मदर इसेंस और मैंटिकोर इसेंस, इसका हम एक का डबल कर लेंगे खेती में, ठीक है हमारे जो क्रॉप प्लॉट से उसमें। लेकिन अभी आपको मुझे बताना है कि ब्रूड मदर और मैंटिकोर में से हम लोग अगले एपिसोड में कौन से बॉस को टेम करें। एक और बॉस स्पॉन हुआ भाई, वाव यार, ये रॉकवेल बॉस भाई, एक और बॉस स्पॉन हुआ और ये पूरा स्पॉन हुआ है, ये हमारे लिए खतरा हो सकता है भाई, ये हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। ये हमला तो नहीं कर रहा ना मेरे पे, ऑनलाइन मेरी पैंट ऑनलाइन आ गई भाई, वाह। अबे आपने देखा इस पे लिख के आया था योर लेगिंस हैज बीन ऐसा ऑनलाइन मिल रहा है कुछ, वो इनसाइड भाई, ठीक है जा रहा हूँ। ये हमला तो नहीं कर रहा, अच्छी बात है, चलो हम लोग स्टॉर्म से बचने के लिए जो है ना इस घर के अंदर चलते हैं पहले तो, ठीक है। सो गाइस चलो, मैंने जो आपको बताया गाइस आपको उनमें से, ये रॉकवेल बॉस मुझे भाई आउट्रो भी मारने देगा, ठीक है इसकी बकेती पहले खत्म होने दो बेचारे की। ये देखो ये ना पूरी आर्क की स्टोरी बताता है गाइस, ठीक है देख रहे हो कैसे चिल्ला रहा है, इसके मतलब ये है कि भाई तुम जो है मेरे बिना कुछ भी नहीं कर पाओगे, सो मेरे साथ मिल जाओ, ये आर्क जो है गाइस उसको भाई मैं तबाह करके रख दूंगा, सिंपली ये बोल रहा है भाई ये, ठीक है। तो गाइस अभी आपके ऊपर चॉइस है कि हम लोग पहले मैंटिकोर बॉस टेम करें या फिर हम लोग पहले गाइस ब्रूड मदर बॉस टेम करें। इन दोनों में से कौन से बॉस को सबसे पहले टेम करना है ये आपको मुझे नीचे कमेंट करके जो ना गाइस वो बता देना है, और आप जो भी बोलोगे गाइस वो हम लोग जो ना गाइस बॉस आने वाले एपिसोड में टेम करेंगे, मतलब अगले एपिसोड में डायरेक्टली मैं टेम कर लूंगा। ये क्या है, पता नहीं ये क्या है। चलो तो गाइस अभी आज का ये वाला जो हमारा एपिसोड है आर्क सर्वाइवल वर्ल्ड का, आर्क एजी रिबॉर्न का,
वो इसी दो वॉर चीफ बॉसेस को मारने के साथ, उनको हराने के साथ यही पे हो जाता है खत्म। अभी फिलहाल के लिए तूफान आया है इसलिए जो ना हम लोग एपिसोड का दंड कर रहे हैं, बाकी अगला एपिसोड बॉस टेमिंग वाला एपिसोड होने वाला है जिसमें हम लोग जो ना इस खतरनाक से सिलेस्टियल वॉर चीफ बॉसेस को टेम करने वाले हैं। तो अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर आज का ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। तो मिलते सीधा के सबसे अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल बोल के आर्क एज रिबॉर्न के, तब तक के लिए बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग, मिलते सीधा आपसे अगले एपिसोड में, बाय बाय गाइस। बट इट्स टू लेट नाउ, आई रिमेंबर यू एंड मी एंड हाउ केयरलेस वी यू ऑल डे एंड ऑल नाइट, वी स्टे अप, इट फेल्ट सो राइट, we were so young, we were so dumb, we would get drunk.